अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह हम भी खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ हम अपना करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और कक्षा हो गई है तैयार स्कूल के लिए, कक्षा का लग रहा है स्कूल, और मोहम्मद मेरे साथ जा रहा है उसे छोड़ने स्कूल पर, और उसके बाद मैंने करनी ऑफिस की तैयारी, और मैंने भी निकल जाना है आज अपने काम पर। और अब हमारी ज़िंदगी वापस उसी रूटीन पर के डेली, जो हमारी डेली के ब्लॉग और डेली की रूटीन है, और इंशाल्लाह वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ साथ इंशाल्लाह, और देखिएगा हमारे ब्लॉग अच्छे अच्छे। क्यों जी, क्या चीज़? नान छोले आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चले भाई चलो फिर चलते हैं। तो जी मैडम मेरी बना रही है इस वक्त चूरी और बैठी है धूप के अंदर। धूप निकली है ना आज अच्छी, मैंने कहा चले धूप में बैठते हैं, कैसे भी स्कूल जा चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। और घर तो आप देख रहे हैं, वीरान है और सन्नाटा सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। ना वो बच्चे हैं, ना वो इशरत है जो बोल रही होती थी सारा दिन, बस गई है, वो भी बहुत गई है। खैर खैरियत से घर पहुँच गए, अल्लाह बस सेहत ही रखे सबको, सेहतियाब रखे, आमीन। छोटे का पानी मैंने उबाल लिया, ठीक है। अब है जी, अब शादी की तैयारी है, तो आज उन सब वो कपड़े वगैरह निकालते हैं, मैंने तो उठा के रख दिए थे, निकाल लेते हैं। तो जाहिर है फिर वो पहनने भी हैं, बच्चे भी पहनने हैं, मोहम्मद ने, छोटे ने, मैंने, कक्षा ने, आपने जी, तो जी आपके जिनसे कपड़े जिनसे मैं दिला के सब प्रेस करके रख दूँ, ठीक है। उस दौरान टेंशन नहीं होगी कि आपके कपड़े प्रेस नहीं हुए हुए ये और वो, जी सही जी, है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे। और मेरे कहना सुबह सुबह सो में पता नहीं किसने लगा, पता नहीं किसने लगा लिया, यहाँ शुरू हो जाते हैं यहाँ पे सारा दिन, सारा दिन। फिर हम बैठ के सोच लेते हैं कि कैसे कैमरा उठाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो जी देखो आज चूरी तैयार होती है यानी ये मैडम मुझे आज जाने देंगी कि नहीं ऑफिस में? है तो इधर हमारी बन रही है चाय, और अभी तक हमने किया नहीं है नाश्ता, ठंडी हो गई थी ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने फिर का थोड़ा सा सेक लगा लूं, और वो सेक लगाया तो काम और भी गड़बड़ हो गया, रोटी चिड़ी हो गई। रोटी चिड़ी नहीं हुई, इससे घी ज्यादा लग गया। अच्छा ये रहे। सही नहीं, वो गरम गरम हो ना रोटी तो घी पी जाती है, रोटी ठंडे होने के बाद घी नहीं पीती फिर, तुम्हें पता तो है। ये तो है, लेकिन इसका एक हाल करो। क्या? ये नीचे बैठ के इसको मसल लो। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे आप चूल्हे का ध्यान रख लेते हैं। मैं कर लेता हूँ, चाय का ध्यान मैं रख लेता हूँ, और इसका ध्यान आप रख लें। ओके okay. चाय डाली जा रही है और छोटा भी धोना है, ठीक है, उसे मैं देखती हूँ फिर, उसे देख लो। तो सही चाय चले, ठीक है। खैर से माँ बेटे इस वक्त यहाँ बैठे हैं, और हाँ जी दोनों ये माँ बेटे यहाँ बैठ गए, और यहाँ पर जो है चूरी रखी हुई है। मेरा ओनो भी आ रहा है मेरे पास, ओन मोहम्मद जी जी, और देने कले की पुप्पो ने लगाई है इसको, छोटी छोटी सरतों पे मेहंदी। इसकी पुप्पो ने बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई है इसके, और उन उन देखने दो, देखने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, छोटी छोटी सी ना, छोटी छोटी सी। आपने मेहंदी कब कर दी? और एक कर दी मेहंदी कब आपने? ये नहीं, ये ना मेहंदी। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ पहले, अच्छा ये किसका बेटा है? अच्छा आप किसके बेटे हो? हाँ यहाँ की गुम हो गई, पहले अच्छा बताओ आप किसके बेटे हो? ये इसका बेटा, ये हमारा बेटा, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं करता, शराकत बर्दाश्त नहीं है उसे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, कभी कभी कह भी देता है ये भी आपका बेटा है, मैं भी आपका बेटा हूँ। अच्छा काके को दे दे, आंटी को दे दे, दे देंगे। कौन सी आंटी को देंगे? अच्छा आंटी नसीम को दे देंगे, आंटी नसीम वाली को, घर वाली को। हाँ जी अपने घर आती है ना आंटी नसीम, उनको दे देंगे ये काका। फिर क्या लोगे? लॉलीपॉप लोगे? ये नूडल्स लोगे? उडल्स लोगे? ये उडल लेगा और उस पे ये दे देगा। माँ ने इतनी मुसीबतें काटी है, तो बहन भाई ये दुआ करें, काफी तकलीफ में हूँ मैं ना, और हरनियों का ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द करवा लें आप। तो अभी उससे पहले मेरा अपेंडिक्स को हुआ, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, फिर अब ये
एक साल के अंदर तीसरा ऑपरेशन है, मुझ में कोई हिम्मत नहीं। अल्लाह खैर रखे। तकलीफ थी मुझे 2 महीने से, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती थी कि तकलीफ कौन सी है। मैं पेन किलर ले लिया करती थी। जी जी कहते की मेहंदी बहुत अच्छी है। हाँ जी चले आप करें नाश्ता, ठीक है। तो जी मैडम मेरी इस वक्त उठा रही है कपड़े कुपड़े जो सूखे हुए हैं। ओए होए बकरी को खांसी हो गई यार, पता नहीं ठंड की वजह से खांसी हो रही है इन्हें। ठंड की वजह से हो रही है, सर्दी, हाँ सर्दी की वजह से ना। दूर गर्म करने रखा है, सर्दी से दूर रख दिया गया है। फ्रिज में गिर गई थी चाय। अच्छा। और सारी साफ सफाई हो चुकी है घर की। और ये देखो अपनी मम्मा के पीछे पीछे क्या लेना आपने? माल्टा रिमोट वाली कार ये इसके नीचे रखी है मैंने। हाँ चरपाई के नीचे रखी है हमने। बाबा मिल गई ना, हाँ बाद में निकाल लेना। और मोहम्मद की ये छोटे की टोकरी हमने अलग की है, कैक्षा का बैग हमने अलग किया है, तो ऐसे इसी में से निकाल कर जो इंसान हम कपड़े दे देते होते हैं, फिर छोटे छोटे कपड़े जो इंसान वो भूल जाते हैं। हाँ यहाँ से चरपाई मैंने उठा दी है। हाँ अच्छा किया उठा दी यार, सारा कमरा जो है ना बड़ा अजीब सा हो गया था। जी ये बालू इसका छोटे का ये गीला है। हाँ जी हल्का हल्का से गीला है। चलो इसे धूप में डाल देना, सूख जाएगा ये, ठीक है। मैं डाल देती हूँ, साफ ही डाल दें। सर मैं तो डाल दूंगा, मुझे तो मसला नहीं, लेकिन मुझे देर हो रही है, मैंने जाना भी है। अच्छा ऑलरेडी देर हो चुकी है मुझे जी, ऑलरेडी देर हो चुकी है। चले हम ऊपर पहले बैर भाई को गिफ्ट तो दिखा दे जो मैं तुरंत लेकर आई हूं। कौन से लेकर आई है? अच्छा जी चले दिखाएं, क्योंकि अम्मी ने बच्चों के लिए तो पैसे दे दिए थे और बाकी जनसा ना गिफ्ट दिखाते हैं। चले ठीक है। माल्टा खाना है ये, इसने माल्टा खाना है। हाँ माल्टा खाना है ये, इसने जो है खाना है माल्टा, ठीक है। सब बर्तन दे आगे इधर की भी सारी साफ सफाई हो चुकी है। ये छिलके उन्हें डाल देना, छिलका बस देख लिया बस जी, ऐसे गंदे काम करने आ नहीं जी बोलते हैं। मैंने ये प्लेट में रख के देखती हूँ इसे ना। या अच्छा क्या पता नहीं, ये लो ये प्लेट में आ गया। अच्छा हमें नहीं पता क्या वो चारपाई के नीचे रखी है। बड़ी वाली कार तो चोरी हो गई। हाँ बड़ी वाली चोरी हो गई। हाँ वो भी चोरी हो गई। अच्छा आप बैठो नीचे, पहले मैं दूध उबाल लूँ फिर वो गिफ्ट दिखा के फिर आप चले जाओ। ठीक हो बस खा रहे, लेकिन बस मन मोजी यही है। हाँ नीचे नहीं गिरना, बस नीचे नहीं गिरना। काका को क्या कह रहे थे? हाँ दूंगा कल काका, दे दूंगा कल दे दूंगा। लेकर दादो से बात होती थी अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में दादो को अपनी वो कह रहे थे मैं ना काका दे दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पप्पो भी कह रही थी, पप्पो कहती थी सीमा, पप्पो कहती थी मुझे काका दे दो। हाँ दूंगा पता नहीं क्या आ गया, प्लेट में रख दो इसे, इसे प्लेट में रख दो बस बस ऐसे। ये क्या आ गया? ये जी इसमें है गिफ्ट।
जरा मैं गिफ्ट दिखा दूँ, पहले तो दिखाती हूँ मैं अपने जनाब का सूट, जनाब का सर जी का सुरजी। जब से लोगों ने कहना शुरू किया हमने सर कहना छोड़ दिया। अच्छा चलो जी, ये है मेरा सूट, ये जनाब आपका सूट, ये लाई है मेरी दुल्हन, और ये वाला भी लेडीज में तो फुल बूटे होते हैं ना, फिर वो खोल के दिखाने पड़ते हैं। मैंने कहा मैं अपना खोल कर दिखा दूँ। ये जी मेरा सूट सही सिंपल ना, सीने लगी हुई। ये दुपट्टा भी है इसकी बैक साइड, दुपट्टे भी है, ये काम होगा। आप अभी पहनोगे? और ये अम्मी ने दिया अपनी तरफ से छोटे के, और ऑन मोहम्मद का 1000 रुपये के, अच्छा कभी 1000 रुपया जी बिल्कुल। ये गरम मशीन के साथ ना वो सॉक्स भी हैं, सॉक्स भी हैं, हाँ जी, शूज छोटे छोटे बने हुए जो हमने लिए थे ना इसके गर्मी के कपड़े, उनके साथ ये कुछ नहीं था। हाँ रहने तो बंद रहने। हाँ जी ये आप, हाँ जी ये आपका, और एक सूट है ये वाला छोटे का, ये तोते का, तोते का सही। तो ये लाई है हमारी दुल्हन, क्योंकि मैं जिठानी थी और हम जेठ थे, तो इसी तरीके इसी तरह ना वो सब नंदों के, नंदोइयों के और जेठ के, जिठानियों के, सबके, जेठों के, जिठानियों के, सबके कपड़े वो लेकर आई। तो हमारी भाभी है वो छोटी, तो माशाल्लाह जी भाभी जी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं, बहुत अच्छी प्यारी, क्योंकि इन्हें कहते हैं पहनावनिया जी। हाँ जी आपके भी लेकर आई हूँ, ये ऊपर करो, अच्छी ऊपर करो, ढीली हो गई इसकी लास्टिंग ना, चेंज कर देना इसे। तो इन्हें कहते हैं जी पहनावनिया, मैं फिर बता रही हूँ, हमारे में तो पहनावनिया कहते हैं, दूसरों में पता नहीं क्या कहते हैं। ऐसे ही है, एक काके का है, आपके दादू ने पैसे दिए, दादू ने कहा उन्होंने जो इंसान आपने बाजार से अपनी मर्जी से लेना है, कक्षा का भी अपनी मर्जी से लेके आना। जी जी बिल्कुल ठीक है ना, ये दादू ने इनके अपनी तरफ से दिए। वो कह रही है मैं उन मोहम्मद का कैश का लेने के लिए जाती थी, सब बच्चों को कह रही मैंने पैसे ही दे दिए हमें, तो अभी इसलिए कि फिर बच्चों की टेंशन लगी रहती है कितने का कितना। ये तो छोटे भाई से मंगवा लिए थे ना, ये इनका तो इसके नाप का तो पता है ना, नहीं उसके, हाँ इसके नाप का तो पता है, बिलान भर का है, हाँ इतना सा है, बाकी इतना सा बच्चों किसी का है नहीं, बाकी सबके जो नंदों के सबके जो बच्चे हैं वो है इतने इतने, कोई और मोहम्मद जितना, कोई मोहम्मद से बड़ा, कोई कैक्शा जितना, बस इस तरीके से है सबके। हाँ जी बिल्कुल, फिर इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बाजार नहीं जा सकती इतनी शॉपिंग करने, क्योंकि इनके साइजों में फर्क आ जाता है फिर। हाँ जी ऐसा होता है सर, क्योंकि हम भी जब कपड़े लेने जाते हैं तो अंदाजे से कभी भी नहीं लेते, क्योंकि इसे साथ लेके जाते हैं, लगा के देखते हैं, और मोहम्मद को हम साथ लेकर जाते हैं, इनका पता नहीं चलता। हाँ तो कैसे लगे जी आपको ये हमारे गिफ्ट? चलो जी हमारी शादी की भी तैयारी फिर हो चुकी है, तो छोटे के तो हमें लेने नहीं पड़ेंगे। ये आपका, हमने दो ही फंक्शन करने हैं वहाँ। हाँ वहाँ पे नहीं, मेहंदी, मेहंदी और वलीमा, मेहंदी और बारात और वलीमा, तीन फंक्शन तीन है। चलो देखते हैं फिर ये भी, लेकिन कपड़े तो हैं अपने पास, अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह खैर रखेगा, क्यों टेंशन ले रही है, क्योंकि नए और कपड़े बनाए। जी जी उन्होंने क्या कह रहे हैं पता नहीं, कार तो उससे चल पाए के नीचे जाओ, निकाल निकाल लो, जाओ जाओ निकाल लो, मामू से कौन निकाल देते अंदर से। चलो तो इसलिए कि मैं कह रही हूँ कि कपड़े हमारे पास हैं, ठीक है, पहले भी रखे हुए हैं, तो कुछ वो काम आ जाएंगे, कुछ जो हमने इस शादी में पहने हैं कुछ वो काम आ जाएंगे, ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो अपनी शादी आराम से गुजरती है, ठीक है, इसे पैक करो, अब पराया मुंह लाल देखकर हम अपना मुंह थप्पड़ों से लाल नहीं कर सकते भाई, अभी तो शादी गुजरी है, उसके कपड़े पड़े हैं वही पहन लेंगे। जी जी ठीक है ना, जी वही पहनेंगे, ओके हो गया। गाड़ी नहीं चल रही है जी, बैटरी खत्म है, चलो बैटरी पे लगा दो इन्हें, पे चार्जिंग पे, ओनू चार्जिंग पे लगा दो, पहले तो ना इसकी कच्ची को मुझे दे, मैं वो चेंज करूँ इसकी।
तो जी दोपहर के लिए आटा गूंदा जा रहा है जमीन पर बैठकर, जी और मुझे हो गया जुकाम शदीद किस्म का। हालांकि मैंने तो माल्टे भी नहीं खाए, जिन्होंने खाए उन्हें कुछ नहीं हुआ, मैंने ना खाए मुझे हो गया, मैंने तो खाया भी। उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कल खाया। वो तो खैर तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, गेस्टों के लिए साफ है। हैं जी, मेरी भी वीडियो बना लो, मैं काके को झूला दे रहा हूँ। अच्छा, काके को झूला दे रहे हो, मैं आपकी वीडियो बना लूँ? जी। अच्छा जनाब, तो ऑन मोहम्मद दे रहा है जी काके को झूला इस वक्त, और कह रहा है मेरी वीडियो भी बना लो, तो हम उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। और साथ ही मैडम जो है गूंद रही है आटा। देखो जी, दोनों माँ बेटे होते हैं घर में, और क्योंकि मैं वो अपनी हुआ हूँ इस वक्त तैयार, और मैंने मेरी है निकलने का टाइम, और मैं रहा हूँ निकल। क्या शलवार कमीज में जाना? जी क्यों? बस वैसे ही कपड़े गंदे हो गए। जो दूसरे पहन लेता हूँ फिर मैं। पैसे निकाल दो फिर। हाँ निकाल दो फिर। चलो मैं आटा लूंगा। बिल्कुल। तो जी कैसे आ चुकी है स्कूल से वापस, और मैडम मेरी बैठी है इस वक्त वहाँ। यार मेरे कपड़े नहीं निकाले। मैं निकाल देती हूँ। चलो चलो बहरहाल, क्या अच्छा आप भी अपने कपड़े बदलो बेटा, और खाना वगैरह की तैयारी, खाना वगैरह खा लो, नाश्ता कर लो, ठीक है? ओके ओके। अच्छा जी, तो कपड़े चेंज कर लिए, अब क्या बना के दूँ? अंडा पराठा? हाँ जी। आपको क्या बना के दूँ? आपको आपको भी अंडा पाठा? चलो ठीक हो गया, फिर मैं अंडा पराठा बना देती हूँ। सही है, आपको भी बना देती हूँ अपने बेटे को। क्यों भाई? जी जी जनाब, ओ ये भी शुरू हो गया। आप क्या करें? नहीं हूँ मैं ना, किचन नहीं कहा है। अच्छा, लेकिन छन्नी नहीं मिल रही। अच्छा, किचन में भी नहीं है। हो सकता है नीचे अचानक पराठा बना देती पहले। आपने पराठा खाना है? एक पराठा बन रहा है दोनों का। हाँ जी, अंडा रख दो, टूट जाएगा। हाँ दोनों का, आपका और तैता का, आपी का। कैसा अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अच्छा अच्छा दोनों का। अच्छा भैया को झूला तो जाके। अच्छा भैया को झूला देना, झूला देना भैया, दो पड़े दो पड़े। और ये अंडा गिर जाता अभी। ये अंडे तो मुझे दे दे, और देखिए अंडा तोड़ देना। झूला दे रहा, पराठा तो बना देती है इनका। हाँ बिल्कुल सही है, बना दो जी इनका पराठा। फिर इसके बाद मैंने सालन बनने के लिए, सालन बनने के लिए रख देना। एक मेरा भी बना लो पराठा, खाना दिल कर रहा है यार, इन्हीं के अंडों के साथ खा लूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा लगा कर। हाँ छोटा बनाना, इतना बड़ा नहीं बनाना। लोने लग गया। चलो उसके मुंह में चुसनी दे दो। बहुत शैतान है, बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा शरारती है। नहीं चूचनी भी नहीं ले रहा वो। क्या चीज? चूचनी नहीं ले रहा, चीखे मार रहा है। अच्छा चलो मैं चुप कराता हूँ। चलो भाई यार तुम बनाओ, मैं जरा इसे चुप कराता हूँ। ठीक हो गया, ठीक ठीक है। ये पराठे बन रहे जी हमारे, अब माशाल्लाह मजेदार पराठे हो चुके हैं तैयार। और इसके बाद और यार दोनों अंडे इकट्ठे फेंट लिए तुमने। जी जी, अंडा तो मैं अंडा आपका बना रही हूँ ना। ये लेकिन अलहदा अलहदा बनाना यार जनाब, यही काम करूंगी। हाँ मेहरबानी करना, ये वाला अंडा नहीं बनाना। हाँ बताओ, अब फिर मंगा के दो अंडा। नहीं नहीं किसी में जाएगा, ऐसे ही है ना भाई। ये अच्छा अंडा बनता है ना, ये बड़ा जबरदस्त अंडा बनेगा। ये वाला नहीं लेना, बहुत मजे मजे का बनेगा ये भाई। क्या हुआ, कौन सा खाना है? जर्दी वाला? जर्दी वाला खाना है। ये देखो ये देखो ये देखो, टिक्की वाला अंडा बन रहा है। ये तो बड़ा प्यारा प्यारा अंडा बन गया भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त अंडा बन रहा है। पादा पादा, अब फिर पता नहीं क्यों कौन क्या आगे बेचने वाले। तेजाब लो 80 रुपए किलो। हाँ जी तेजाब आ चुका है हमारा। सुनिए मैंने धोखा लटकाई थी। अच्छा सर, एक प्लेट दे दे मुझे अंदर से। अच्छा, और तो जी मैं देता हूँ प्लेट। तो जी यहाँ से ये प्लेट मैं दे देता हूँ, ये प्लेट आ गई हमारी। और ये मैडम जो है, ये अंडा बन गया ना, अंडा हमारा हो गया है तैयार। ठीक है, दूसरा अंडा भी ऐसे ही तैयार हो जाएगा। जी जी भाई, बहुत मजेदार भाई, अंडे की क्या बात है यार। अच्छा आप ना खाए सर, बहुत जबरदस्त अंडा है, अंडा
बहुत जबरदस्त अंडा बना हुआ है भाई, बहुत जबरदस्त अंडा, इतना बड़ा, इतना बड़ा अंडा बना हुआ है। हाँ जी, ये तो मैं लूंगा, अंडा उठा के ले गया अगला। सही तरह मोबाइल बंद कर दे जब तक वो भाई बेचारे। चले कोई नहीं, बिल्कुल। चाय बनने के लिए तो मैं रख कर आई थी, लेके तो मैं ही आया हूँ। चले जी रख दे, मेहरबानी। अपने मुर्शदों की खिदमत करें ना करें, आप रहने दे, मेहरबानी सर आपकी। सुबह से तो मैं लगी हुई सारे काम काज में। मैंने कहा सर काम करके थक गई होंगी ना। हाँ जी, और इधर देखे जी, चोनू मनु, चोनू मनु पारा पारा, ए दी दो उसको। आपके हाथ में है ना दूसरे वाली? अच्छा देते सर जी, दोनों का झगड़ा हो रहा है। किस बात पे? नहीं ये जर्सी अब वहां से धूप में से खोली, वहां पे धूप जा चुकी थी तो अब खुद हमने यहाँ पर बांध दी है। सही है, धूप लगती रहेगी ना फिर इसको वहां। नहीं अब तो डेली धूप में बांध देते हैं ना। जी जी क्या कह रहे हो? हाँ जी क्या करना है? वो कह रहे मैं सैन में निकाल लूं गाड़ी, निकाल क्या जो कैक्शन निकाल के देती है चार्ज हो ले पहले। अब ये गाड़ी से ने निकाल ली है यहाँ पर बाहर, और अब यहाँ से झाड़ू लगाने वाले रह गए, ऐसे लगा लेती मैं झाड़ू। ठीक है फिर वीडियो का भी एंड करते हैं अब। हाँ जी, और मोहम्मद एक बार बंद करो, बाय बाय करें अंकल आंटीज को, बाय बाय। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी वीडियो आज तक की यहीं पर थी, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा हमारी आपको वीडियो कैसी लगती है। और इसके साथ ही मिले इजाज़त, तो हमें कितने पूरा पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से या पूरे पाकिस्तान से जितने भी देखने वाले हैं सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।